हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आईपीओ का सीजन चल रहा है। मैंने कहा है पैसे तैयार रखिए, एक के बाद एक लगातार आईपीओ आएंगे और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का गारंटी फॉर्मूला है आईपीओ। अगर आप सही आईपीओ ले लेते हैं, दो आईपीओ अभी जो हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल का आया, दोनों में बम्पर सब्सक्रिप्शन अप्लाई हुआ और लिस्टिंग गेन मिलने के चांस हैं। अब उसी क्रम में नेक्स्ट आईपीओ है केम्स आईपीओ का। इसके बारे में कुछ ऐसी बारीक चीजें जानेंगे, नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटस जानेंगे सो जानेंगे, उसके अलावा कुछ ऐसी बारीक चीजें जानेंगे जो आपको हेल्प करेगी सिर्फ लिस्टिंग गेन में नहीं, इस स्टॉक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फ्यूचर को समझने में, जिससे आप इसके लिए फ्यूचर में भी एज ए इन्वेस्टमेंट इसको होल्ड करें या ना करें, सारी पिक्चर सिर्फ एक वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो और हम एक परिवार की तरह सीखें भी, कमाएं भी और आगे भी बढ़ें। तो चलिए देखते हैं केम्स आईपीओ। देखिए, केम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइड कराती है म्यूचुअल फंड और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। यहाँ पे शब्द को गौर से सुनिएगा। अब आप कहेंगे म्यूचुअल फंड के अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या सर्विस देती है, क्योंकि यही चीज अगर हम समझ गए तो हम राज जान लेंगे कि आईपीओ में भी पैसा डालें या ना डालें और साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा। तो पहले देखिए, म्यूचुअल फंड के लिए ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेंस एंड प्रोसेसिंग करती है। यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में दिख रहा होगा, वो एक लंबी लिस्ट है। रिकॉर्ड कीपिंग करती है, कस्टमर सर्विस थ्रू पैन कार्ड सर्विस सेंटर, कॉल सेंटर, बिजनेस इंटेलिजेंस, ब्रोकरेज कंप्यूटेशन, बिजनेस कंटिन्यूटी सर्विस, डिविडेंड इश्यूएंस, अ लॉट ऑफ वर्क जो म्यूचुअल फंड के लिए करती है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि ये प्राइवेट इक्विटी और वेंचर फंड को भी सर्विस देती है, जो प्री सेल्स, इन्वेस्टर ऑनबोर्डिंग सर्विसेज, एमआईएस रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट एक्शन, टैक्स सपोर्ट, इस तरीके से अगेन इनको भी बेहतरीन हेल्प देती है। फिर आते हैं बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पर, जहां पर अकाउंट ओपनिंग सर्विस फॉर बैंक, केवाईसी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, साथ में सिस्टम इंटीग्रेशन विद कोर सिस्टम ऑफ बैंक, यानी एक लंबा चौड़ा काम किस तरीके से कर रहे हैं, यानी हर जगह काम में इस तरीके से घुसे हुए हैं कि इनके बिना काम अधूरा है। उसके बाद एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेशन सर्विसेज में इन्वेस्टर कैन रजिस्टर देमसेल्फ इन कैनफिन सर्विसेज, यानी अगेन एक बेहतरीन पॉइंट जो आपको सब कुछ दिख रहा है। तो इससे एक चीज एक लाइन में बोलूँ ना, तो पहला एक सबसे बड़ा लाइन होगा कि इंडिया की सबसे बड़ी रजिस्टर्ड और ट्रांसफर एजेंट के रूप में काम करती है, और इस बात का सबूत ये है कि इट हैज़ अ 69.4% म्यूचुअल फंड एग्रीगेट मार्केट शेयर, यानी 69.4% म्यूचुअल फंड के मार्केट पर इनकी पकड़ है। और साथ में सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं आता है, जिस तरीके से इनकी एक एक छोटे से छोटे कामों के अंदर ये घुसे हुए हैं और इनके बिना वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है, उस लेवल पे आपका पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है। और इसीलिए मैंने एक चीज कही थी, जो अभी आईपीओ आने वाले हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबका बिजनेस यूनिक है और उस यूनिक बिजनेस के कारण लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अगर मार्केट में कुछ भी गलत ना हो तो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, कंपनी का काम तो सुपर से ऊपर है, लेकिन इस कंपनी के पीछे दिमाग कौन है, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले भी तो बेस्ट होने चाहिए, तभी तो लॉन्ग रन में कंपनी सक्सेस होगी। तो देखिए, 1988 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और जो कंपनी प्रमोटर्स होल्डिंग में आती है, एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो सब्सिडरी है एनएससी की, उसके बाद वारबर्ग स्पिंकर्स एलएलसी है जो एक लीडिंग ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसके बाद फेरिंग कैपिटल है जो लीडिंग इंडियन मार्केट मिड मार्केट प्राइवेट इक्विटी फर्म है, एक्सिस है जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, और एचडीएफसी ग्रुप है। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े नाम हैं। अब बात करते हैं कंपनी का नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क भी जानना जरूरी है। 25 स्टेट में फैले हुए हैं, 278 सर्विसेज है, 5 यूनियन टेरिटरीज में, और ऑनलाइन भी
फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड कराती है मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। अब बात करते हैं बिजनेस, तो सब करता है, बट उस बिजनेस में ऐसा यूनिक क्या है जो कंपनी को बेस्ट बनाता है? तो यूनिक है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ म्यूचुअल फंड, दूसरा है अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, थर्ड है पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क, और चौथा है स्केलेबल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इकोसिस्टम। ये वो चीज है जो इसको अलग करती है, बेहतर करती है, बेस्ट करती है। अब बात करते हैं कि ये जो आईपीओ है इसका इशू साइज क्या है। देखिए, जब भी कोई आईपीओ आता है वहां पे फ्रेश इशू भी होता है और ऑफर फॉर सेल भी होता है, लेकिन इस आईपीओ में फ्रेश इशू नहीं है, सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। इशू साइज सबसे पहले जान लेते हैं, 1,82,46,600 है जो स्क्रीन पर है, इक्विटी शेयर का है, यानी टोटल वैल्यू अगर मान के चले तो 2,258 करोड़ का साइज है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि ऑफर फॉर सेल ही क्यों? तो देखिए, एनएससी इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू ऑफलोड इट्स इंटायर स्टेक 37.48 इन केम्स वाया आईपीओ, यानी इन एनएससी जो है अपने सारे के सारे जो स्टेक होल्डिंग है उसको डाइवेस्ट करने वाली है। इसका रीजन क्या है? तो रीजन है सेबी का कंप्लायंस, जिसमें सेबी ने इन्हें सारा का सारा शेयर होल्डिंग छोड़ने को कहा है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर कौन है। तो कंपनी के प्रमोटर हैं ग्रेट टेरेन, द होली ओन बाय हारमोनी रिवर इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रमोटर हैं केम्स के विद 43.53% शेयर होल्डिंग, यानी विदेशी प्रमोटर। अब कहेंगे ये हारमोनी रिवर इन्वेस्टमेंट, तो ये हारमोनी रिवर इन्वेस्टमेंट भी ओन बाय प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेज बाय यूएस बेस्ड वार्बर टिंगस। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी होल्डिंग फॉरेन में इनके पास है, बट ये नाम काफी बड़ा है। और उसके बाद एनएससी में जैसे मैंने बताया 37.48%, एचडीएफसी का 5.99%, एचडीएफसी बैंक का 3.33%, एचडीएफसी ट्रस्ट का 3.19%, फेयरिंग कैपिटल इंडिया का 4% और एक्सिस का 1.94% की होल्डिंग है। इस तरीके से ये इनके होल्डिंग में आते हैं। अब बात करते हैं फेस वैल्यू, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1220 से 1230 का है, थोड़ा महंगा है, लेकिन महंगी चीजें कभी कभी अच्छी भी होती हैं। प्राइस वैल्यू थोड़ा सा महंगा है, तो इनका जो काम का लेवल है वो भी उसी यूनिक लेवल का है जहां पे इसके प्राइस बैंड को थोड़ा सा अपर लेवल में देखा जा रहा है। मार्केट लॉट 12 शेयर का है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यानी 12 शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम इन्वेस्टमेंट वन लॉट पे 12 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1230 इक्वल टू 14,760 रुपीज, यानी अगर आप अप्लाई करते हैं तो 14,760 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 13 लॉट का। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की। देखिए, फाइनेंशियल जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं उसका फाइनेंशियल देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और जो अभी एक क्वार्टर है 30 जून 2020 वो भी लिया है। अगर आप देख रहे होंगे तो मिलियंस में फीचर हैं, जिसमें एसेट हो, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, लगातार बढ़ रहा है। जिसमें अगर रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2018 को 6,578, वो बढ़कर 7,118 हुआ 2019 में, 2020 में बढ़कर 7,213 हुआ, और जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वहां पे 1,634 है। उसी तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखो, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन बेसिस पे फर्स्ट क्वार्टर आए हैं, जब ईयर ऑन ईयर आएगा अगेन अच्छा आएगा। अब नेक्स्ट कि इसके डेट्स क्या हैं, तो देखिए टेंटेटिव डेट जो होते हैं वो है कि बिड जो ऑफर होगा, जो ओपन होगा वो 21 सितंबर 2020 को, जो क्लोज होगा 23 सितंबर 2020 को, जो अलॉटमेंट है वो 28 सितंबर को है, रिफंड 29 सितंबर को है, और आपके अकाउंट में 30 सितंबर को आएगा। जो एक टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो 1 अक्टूबर की मानी जा रही है। तो इस तरीके से जो चार पॉइंट थे, मुझे जो लगे, मेरे हिसाब से चार पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिसको मैंने आपको बताया। ऐसे कहने को काफ़ी पॉइंट थे। पहला कि भैया ये किस किस को किस तरीके से बिजनेस दे रही है, इनका प्रमोटर, इनका फाइनेंशियल, और उसके बाद इनका ये जो स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, वो जो चार पॉइंट मुझे लगता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, जिसके आधार पे हमें डिसाइड करना बहुत ही आसान रहता है कि हम क्या करें। साथ में ये हमारे टेलीग्राम का चैनल दिख रहा है, इसको ज्वाइन करेंगे, एक से एक बड़ी इन्फॉर्मेशन, लाइव मार्केट अपडेट्स आपको क्विक, सबसे फास्ट, किसी भी बड़े मीडिया हाउस से फास्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलता रहेगा, और बेल आइकॉन हिट रखेंगे तो जब भी ऐसी वीडियो आएगी आपको अपडेट मिलता रहेगा। और साथ में
अब सवाल है कि क्या मैं इसके लिए अप्लाई करूंगा। बिल्कुल मुझे लगता है अप्लाई करने वाली चीज़ें हैं ये, और अप्लाई हम करेंगे अगर कुछ बदले ना तो। बदले ना तो का सेंस है कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तारीख है 16 सितंबर, जो इसका खुलने का डेट है वो है 21 सितंबर। यानी अगर बीच में कोई चेंज हुआ तो मैं वाया वीडियो या वाया टेलीग्राम में आपको बता दूंगा, नहीं तो आज के डेट में मैं इसके लिए अप्लाई करने को रेडी हूं। तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन का ये जो तरीका फॉर्मेट अगर हमने जो बांट के किया है अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।